यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको पूरा करेंगे, 2 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए। नेक्स्ट है खुर्दों का विद्रोह। 1925 में तुर्की के पूर्वी प्रांत में खुर्द जाति के लोग रहते थे और जनजातीय कबीले से संबंधित थे। 1925 ईस्वी में शेख सईद के नेतृत्व में 15,000 खुर्दों ने विद्रोह किया और उनका जो मुख्य मुद्दा था कुर्दिश जनजातियों को पहचान दिलाना था और साथ में जो कुर्दिश जनजातियों की भाषा थी उसे संरक्षित करना था। लेकिन 1925 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था। नेक्स्ट है बाइमर संविधान। जो बाइमर संविधान है वो 1919 में जर्मनी में लागू किया गया था। 5 फरवरी 1919 को बाइमर नामक स्थान पर जर्मनी की जो संविधान निर्माण करने वाली सभा थी उसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी और 10 अगस्त 1919 को संविधान लागू किया गया था जिसे कि बाइमर संविधान कहा गया। इस संविधान में विशेष करके संघीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया, वयस्क मताधिकार जो स्थापित किए गए और द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसका प्रावधान भी इस संविधान में किया गया था। नेक्स्ट है दावोस योजना, जो कि 1924 में प्रारंभ हुई थी। युद्ध के पश्चात जर्मनी पर आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु एक निश्चित राशि निश्चित की गई थी और अमेरिका और विश्व के विभिन्न देशों में 1919 के पश्चात आर्थिक महामंदी का दौर प्रारंभ हो चुका था, इसलिए जर्मनी भी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। अमेरिकी विशेषज्ञ चार्ल्स जी डावोस के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया जिसे ये काम दिया गया कि भविष्य में आर्थिक महामंदी से जर्मनी और विश्व के अन्य देशों को कैसे उभारा जा सके। 1924 में एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे डावोस योजना के नाम से जाना गया और उसमें यह अनुशंसा की गई कि जर्मनी पहले 1 अरब गोल्ड मार्क देगा और उसके पश्चात 4 वर्षों के अंदर 25 करोड़ वार्षिक गोल्ड मार्क की वृद्धि की जाएगी और जर्मनी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 80 करोड़ गोल्ड मार्क जो वो ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। साथ में यह भी अनुशंसा की गई कि जर्मनी के जो रूर का क्षेत्र है वहाँ से फ्रांस अपनी सेनाएं 1930 तक हटा लें। नेक्स्ट है यंग योजना। 1925 में इसे भी लागू किया गया था और यंग योजना ओवेन डी यंग ने प्रस्तुत की थी। ये भी एक अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ था और इसका उद्देश्य भी जर्मनी और विश्व के विभिन्न देशों में महामंदी के छाए बादल को दूर करना था। यंग योजना के तहत जर्मनी को 37 वर्षों के भीतर 10 करोड़ पाउंड देने सुनिश्चित किए गए। मित्र राष्ट्रों और अमेरिका का जो ऋण है वो 22 किश्तों में चुकता करने का प्रावधान किया गया था। साथ में यह भी अनुशंसा की गई कि बैसल में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाए और राइनलैंड से जून 1930 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को हटाया जाए ताकि जर्मनी आर्थिक रूप से रिवाइवल कर सके, जर्मनी पुनः आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है खुले द्वार की नीति। अमेरिका ने इस नीति का अनुसरण किया था और इसके प्रतिपादक जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर अमेरिका जॉन हे थे जिन्होंने कि 1899 में इस नीति का प्रतिपादन किया था। यद्यपि अगर हम इस अंतराल की बात करें 1919 से 1945 तक या 1992 तक की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने खुले द्वार की नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है वो चीन में व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। चूँकि जापान, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली ने चीन से कई व्यापारिक लाभ प्राप्त किए थे और अमेरिका भी चाहता था कि चीन से उसे व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से उसने खुले द्वार की नीति का अनुसरण किया था। नेक्स्ट है निष्पक्षता और अहस्तक्षेप की नीति। इस नीति का अनुसरण
सबसे पहले थॉमस जेफरसन ने 1823 में किया था, और बाद में जो मुनरो सिद्धांत था उसमें भी इस नीति का अनुसरण किया गया था। लेकिन 1919 में जो पेरिस की संधि हुई, उस पेरिस की संधि से अमेरिका को निराशा ही हाथ लगी और विश्व इतिहास में इस बात पर चर्चा होने लगी कि यहाँ एक प्रकार की अमेरिका की हार जो है वो विश्व शांति के रूप में देखी गई थी। इसलिए 1920 से लेकर के 1932 ईस्वी तक अमेरिका ने निष्पक्षता तथा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। दूसरा एक प्रमुख कारण ये था, चूंकि अमेरिका और विश्व के विभिन्न देशों के अंदर आर्थिक महामंदी के बादल छाए हुए थे और अमेरिका उस आंतरिक समस्याओं से निदान प्रदान करने के लिए, आंतरिक उलझनों का समाधान ढूंढने के लिए जो है वो अपनी समस्याओं में ही मशगूल था। इसलिए विश्व के प्रति अमेरिका ने निष्पक्षता और अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था, और ये 1920 से 1932 तक जो है वो चलती रही। नेक्स्ट है मंचूरिया का संकट। मंचूरिया का जो संकट है वो जापान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के कारण जो है वो प्रारंभ हुआ था, और विशेष रूप से मुकदेन का जो क्षेत्र था चीन के अंदर, वहाँ मंचूरिया नामक एक प्रांत था जिसकी कि आर्थिक रूप से जो वो बहुत महत्ता थी। 1931 में जापान ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अनुसरूप मंचूरिया के प्रांत पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर कठपुतली सरकार जो है वो 1932 में गठित की थी। अर्थात उसे विश्व में मंचूरिया संकट के रूप में देखा गया, अर्थात यह जापान के साम्राज्यवाद की चरम सीमा कही गई। यद्यपि अमेरिका और विश्व के विभिन्न देशों ने भी जापान के इस कदम की घोर निंदा की थी, लेकिन जापान ने मंचूरिया को खाली नहीं किया था। नेक्स्ट है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो है रूस की क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी उनका जीवन काल 1870 से 1924 तक रहा, और क्रांतिकारी के अतिरिक्त एक प्रबुद्ध और प्रखर राजनेता तथा राजनीति के नए सिद्धांत जिसे लेनिनवाद कहा जाता है उसे देने में महत्वपूर्ण भूमिका लेनिन की रही थी। लेनिन जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रशिया जो 1917 से 1922 तक रहे, और बाद में 1922 से 1924 तक जो है वो हेड ऑफ द सोवियत यूनियन के प्रमुख भी रहे थे। लेनिन ने वन पार्टी सोवियत स्टेट का नारा दिया था, और साम्यवाद विचारधारा के अंदर लेनिनवाद जो है वो प्रमुखता से आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है स्टालिन। स्टालिन जो है वो लेनिन का उत्तराधिकारी था, जोसेफ स्टालिन, और 1922 से 1953 ईस्वी तक रूस की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव स्टालिन ने डाला था। स्टालिन एक ऐसा प्रमुख नेता रूस के अंदर रहा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सोवियत यूनियन का प्रमुख रहा था। उसने पंचवर्षीय योजनाएं रूस में लागू की थी, और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रूस में अत्यधिक विकास को महत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट है हूबर योजना। हूबर योजना के विषय में भी अगर हम बात करते हैं तो यह विश्व आर्थिक महामंदी को दूर करने के लिए प्रस्तुत की गई योजना थी जो कि तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने प्रस्तुत की थी। इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि किस प्रकार विश्व में आर्थिक महामंदी से छुटकारा पाया जा सके। सबसे पहले जून 1931 को अमेरिका और इंटर अलाइड जो ऋण थे उनकी अदायगी के लिए एक वर्ष की रोक लगाई गई। साथ में सुझाव दिया गया कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की स्थापना की जाए और जर्मनी में निवेश करने की योजनाएं बनाई जाएं। हूवर ने उद्योगों, श्रमिकों और पूंजीपतियों से बैठक करके नए प्रावधान स्थापित किए। श्रमिकों से इस बात के लिए जो है वो दबाव डाला कि भविष्य में वो वेतन को बढ़ाने की मांग ना करें, और पूंजीपतियों पर इस बात के लिए दबाव डाला कि
वो श्रमिकों की छटनी ना करें और साथ में श्रमिकों के वेतनमान को ना घटाएं, ताकि जो उपभोगवाद है या कंज्यूमरिज्म जिसको आप कह सकते हैं, या वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि की जा सके और उनकी खपत की मांग को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है न्यू डील नीति। 1933 में जो एफडी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक नया प्लान जब वो आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए प्रारंभ किया, इसे न्यू डील नीति के नाम से पुकारा गया था। इसमें तीन महत्वपूर्ण जो कदम हैं उसको उठाने पर बल दिया गया था। वो कदम थे 3 R's। 3 R's का मतलब है रिलीफ, रिकवरी एंड रिफॉर्म्स। रिलीफ का जो यहाँ आशय था वो इस नीति से था कि उन करोड़ों निर्धन लोगों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिनके पास कुछ भी जब वो पूंजी उपलब्ध नहीं है या जिनके पास किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं है, अर्थात उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था रिकवरी। रिकवरी का उद्देश्य था बेकारी की समस्या को दूर करना और वस्तुओं की मांग को बढ़ाना तथा उपभोक्ता को बढ़ाना, उद्योग पुनः जो है चालू हो सके और जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जा सके, मांग को बढ़ाया जा सके और बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके, इसे रिकवरी के तहत जो वो उठाया गया था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था रिफॉर्म्स, इसके अंतर्गत उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो अंकित करना है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करना था जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की आर्थिक संकट का सामना पुनः विश्व को ना करना पड़े। ये जो वो रिफॉर्म्स के तहत महत्वपूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास किया गया था, इसे न्यू डील नीति कहा गया। नेक्स्ट है तुष्टिकरण का अर्थ। तुष्टिकरण के शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ यह है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा अगर कमजोर देश के ऊपर आक्रमण किया जाए और उस समय विश्व में विद्यमान जो शक्तिशाली देश हैं वो चुपचाप देखता रहे तो उसे तुष्टिकरण की नीति कहा गया, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहा गया। विशेष करके अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया से संबंधित जो तुष्टिकरण की नीति का यहाँ आश्रय लिया जाता है, क्योंकि हिटलर के आगमन के पश्चात और इटली में फासिस्टवादी की स्थापना के पश्चात यह तय किया गया। उन्होंने सबसे पहले जो 1931 में जापान ने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत मंचूरिया पर आक्रमण किया, उस समय भी अमेरिका, इंग्लैंड ने तुष्टिकरण की नीति का अनुसरण किया। ठीक उसके पश्चात 1936 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया और जर्मनी ने इटली के इस कदम का खुला समर्थन किया। 1938 में ऑस्ट्रेलिया पर जर्मनी ने आक्रमण किया और उस समय भी अमेरिका, इंग्लैंड और रूस जैसे महाशक्तिशाली देशों ने किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया, अर्थात इस नीति को तुष्टिकरण की नीति कहा गया। नेक्स्ट है बर्लिन, रोम, टोक्यो धुरी। फ्रांस अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पहले ही यूरोप में छोटा त्रिगुट स्थापित कर चुका था, बाद में फ्रांस और इटली के मध्य में भी संधि हो चुकी थी। अब जर्मनी को विशेष रूप से अपने सुरक्षा की चिंता होने लगी थी। जब 1936 में इटली ने इथोपिया पर आक्रमण किया तो हिटलर ने खुले मंच से इस बात का समर्थन किया कि इटली ने इथोपिया पर आक्रमण करना उचित था, अर्थात उसे उचित ठहराया। इसके परिणाम स्वरूप बर्लिन और रोम के मध्य अर्थात इटली और जर्मनी के मध्य संधि हुई और पहले बर्लिन रोम जो धुरी का जो गठन किया गया था 1936 में। बाद में जापान के साथ बर्लिन ने संधि करके, जर्मनी ने संधि करके उसे भी इस धुरी में सम्मिलित कर लिया और इसे बर्लिन रोम टोक्यो धुरी के नाम से कहा गया। जून 1941 में लंदन में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में पुनः व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कनाडा आदि शक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया
और सम्मेलन में जो घोषणा की गई उसे लंदन घोषणा के रूप में इतिहास में जाना जाता है। इसमें द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात एक ऐसे विश्व की कल्पना की गई जिसमें युद्ध और आक्रमण का कोई स्थान ना हो, विरोध का कोई स्थान ना हो, और साथ में विश्व शांति की स्थापना के लिए एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पर बल दिया गया ताकि निकट भविष्य में युद्ध के कुप्रभाव से बचा जा सके। लास्ट है अटलांटिक चार्टर। परिणाम था विंस्टन चर्चिल और एफडी रूजवेल्ट की वार्ता का, जिसे कि प्लेसेंटिया बे में आयोजित किया गया था न्यूफाउंडलैंड में, जहां पर यूएसए का नेवल बेस था। बाद में उस चर्चा के पश्चात जो घोषणा की गई उसे अटलांटिक चार्टर के रूप में जाना गया। 14 अगस्त 1941 को जो है वो इस चार्टर की घोषणा की गई, और इसमें विशेष रूप से युद्ध के उपरांत जो व्यवस्था है उसको मद्देनज़र रखते हुए घोषणा की गई थी। स्वशासन प्रदान करने की बात की गई थी, लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की बात की गई थी, और साथ में संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के अस्तित्व में आने पर जो बल देने की बात की गई थी। साथ में ये भी कहा गया था कि विश्व में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं और समान आर्थिक विकास जो है उसको प्राथमिकता दी जाए। इस प्रकार की घोषणा अटलांटिक चार्टर के अंदर की गई थी।